नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4। आज हम गुणनखंड प्रमेय करने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में फैक्टर थ्योरम भी कहा जाता है। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है, पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। बच्चों, गुणनखंड प्रमेय सिर्फ इतना कहती है कि यदि एक बहुपद है px, उसको x माइनस a यदि उसका गुणनखंड है तो P ऑफ A बराबर 0 होगा। यानी पूरे बहुपद में जहां भी x होगा उसकी जगह यदि A लिख देंगे तो वह 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और इसका उल्टा रिवर्स भी ठीक है कि यदि P ऑफ A बराबर 0 आ जाए, किसी भी बहुपद जो x में है उसमें x की जगह A डालने से, को 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी एक संख्या डालने से, वह x की जगह 2 डालने से, 1 डालने से वह संख्या 0 के बराबर हो जाए, वह बहुपद 0 के बराबर हो जाए, तो मान लेना कि x माइनस वह संख्या 1, 2 जो भी आपने ली, वह px का एक गुणनखंड होगा। अब इसी बात को हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, यदि px घात n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला एक बहुपद हो, यानी px एक ऐसा बहुपद हो जिसमें उसकी घात 1 से बड़ी हो या 1 के बराबर हो, और a कोई वास्तविक संख्या हो, यानी परिमेय या अपरिमेय कोई भी संख्या हो सकती है a, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि p ऑफ a 0 के बराबर हो। ठीक है, यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड तभी होगा यदि p ऑफ a बराबर 0 होगा, यानी कि x की जगह a डालने से यदि बहुपद 0 के बराबर आता है तो हम कहेंगे कि x माइनस a px का गुणनखंड है। इसका रिवर्स भी ठीक है, उल्टा भी ठीक है। उल्टा क्या है, यदि p ऑफ a 0 आ जाए किसी बहुपद के लिए, यानी किसी बहुपद में आपने कोई एक वैल्यू डाली 1 या 2 या 3 x की जगह, और यदि वो 0 के बराबर आ जाए तो हम मान लेंगे कि x माइनस a px का एक गुणनखंड होगा। इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, यदि यदि px बराबर 4x³ + 3x² - 4x - 3, ये हमारे पास एक बहुपद है। यदि मैं मानता हूं कि इसका x माइनस 1 एक गुणनखंड है, x माइनस 1, तो p ऑफ 1 0 के बराबर आना चाहिए। 1 कहां से आया, ये 1 कहां से आया, दोबारा देखो ये 1 कहां से आया, हमारे पास था x माइनस 1, इसको x माइनस a के साथ मिलाया तो a आ गया 1, इसका शून्यक आ गया 1, वही 1 मैंने यहां लिया। तो इस बहुपद में, इस पूरे बहुपद में जहां भी x है उसकी जगह लिखेंगे 1, तो एक्स क्यूब 4 लिखा इंटू एक्स क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स यानी 1 माइनस 3। इसको हल करा, 1 का क्यूब होता है 1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 को 3 से गुना कर दिया 3 माइनस इंटू प्लस माइनस 4 एकम 4 माइनस 3। अब क्या होगा, देखो प्लस 4 से ये वाला माइनस 4 कट गया, प्लस 3 से ये वाला माइनस 3 कट गया, तो बाकी क्या बच गया, 0। ठीक है, अब देखा हमने कहा था कि यदि px का एक गुणनखंड x माइनस 1 है तो p ऑफ a 0 के बराबर होना चाहिए, तो आ गया ये देखो यहां कहा था ना x माइनस a px का एक गुणनखंड होता है यदि p ऑफ a बराबर 0 हो, तो p ऑफ a 0 आ गया। इसका मतलब यदि x माइनस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है तो p ऑफ 1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। यदि यहां कहें x माइनस 2 p बहुपद का एक गुणनखंड है तो p ऑफ 2 बराबर 0 होगा। यदि कहा जाए x माइनस 4 बहुपद का गुणनखंड है तो p ऑफ 4 बराबर 0 होगा। यदि कहा जाए x माइनस 8 बहुपद का गुणनखंड है तो p ऑफ 8 बराबर 0 होगा। फिर क्या करेंगे, इस पूरे में x की जगह 8 लिख के देखेंगे तो ये 0 के बराबर आएगा। यदि गुणनखंड है तो p ऑफ a 0 आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप गणित की कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.4 के प्रश्न करेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। धन्यवाद।